हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम फिन स्कूल बाय फाइव पैसा इस एपिसोड में हम प्राइस पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सॉसर और स्पाइक्स शुरुआत हम करते हैं द स्पाइक टॉप से स्पाइक टॉप को हम वी शेप रिवर्सल भी कहते हैं और ये तब होता है जब सडनली ट्रेंड चेंज होता है ज़्यादातर टाइम कोई न्यूज फ्लोज होता है जब ऐसे स्पाइक टॉप्स बनते हैं दूसरे पैटर्न के कंपेरिटिव में ये पैटर्न में ट्रांजिशन पीरियड नहीं होता क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन प्राइस फॉल हो जाता है या चेंज हो जाता है जनरली ऐसे टाइम पे जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं पोजिशन और उनके अगेंस्ट प्राइस जाता है तो वो कुछ नहीं करते जस्ट वेट के प्राइस फिर से उनके प्राइस के आसपास आ जाए बट यूजली सच शार्प रिवर्सल्स कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस और कैपिटल भी लॉन्ग टाइम के लिए ब्लॉक हो सकता है सो इफ यू आर शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड इफ यूनेस शार्प रिवर्सलॉर्चुनिटी इन द मार्केट सिमिलर टू स्पाइक टॉप अब हम देखेंगे स्पाइक बॉटम को स्पाइक बॉटम एक स्पाइक टॉप की जैसे ही उसका ऑपोजिट है स्पाइक टॉप एक रैली के बाद फॉर्म होता है तो स्पाइक बॉटम एक करेक्शन के बाद में फॉर्म होता है और आपको एक वी शेप्ड रिकवरी यहां पे दिखाई देती है यह तब होता है जब स्टॉक में सडनली डिमांड आ जाती है और जो शॉर्ट सेलर्स है अगर वो एफ एंडो में स्टॉक है तो तो वो ट्रैप हो जाता है जिससे एक शार्प अपमूव आता है अगर ऐसे रिवर्सल पे कैश मार्केट में वॉल्यूम्स अगर बहुत हाई होते हैं तो चांसेस है कि वो स्टॉक में बॉटम बन चुका है और स्टॉक आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकता है सो so, ऐसे टाइम पे बाइंग ऑपरचुनिटीज के लिए देखे बट यस yes, ऐसे ट्रेड्स में आपको पोजिशन साइजिंग पे ध्यान देना होगा और स्विंग लो के स्टॉप लॉस के हिसाब से ही क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी चाहिए सो दिस इज व्हाट अबाउट स्पाइक टॉप एंड स्पाइक बॉटम अब हम बात करते हैं सॉसर्स के बारे में स्पाइक्स में हमने देखा कि एक शार्प रिवर्सल होता है लेकिन जो सॉसर पैटर्न होता है वो फॉर्म होने के लिए काफी समय लगता है और एक ग्रेजुअल ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने मिलता है जैसे ये चार्ट में आप देख रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल पहले आप डाउन ट्रेंड आया फिर ट्रेंड चेंज होकर साइडवेज हो गया और फिर ट्रेंड चेंज होकर अपमूव आया तो ये जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है उसको हम सॉसर बॉटम कहते हैं अब सॉसर बॉटम को ट्रेड कैसे करें जब भी आप कोई पे ऐसे सॉसर बॉटम देखते हैं तो आपको देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है जैसे इसमें ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वो आपका बाइंग पॉइंट होगा यहां पे बाय करने के बाद ब्रेकआउट के पहले जो भी स्विंग लो रहेगा वो स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट प्रोजेक्शन इसमें आपको मेजर करना है फ्रॉम बॉटम टू दिस ट्रेंड लाइन अब ये केस में बॉटम है समवेयर अराउंड टू एंड ट्रेंड लाइन इज समवेयर अराउंड टू यानी सेवेंटी फाइव रुपीज का मूव यहां पे है और वो आपको ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करना है तो टू सेवेंटी फाइव प्लस सेवनटी फाइव विच गिव थ्री फिफ्टी और आप देख सकते हैं आगे चल के ये स्टॉक ने बहुत ही जल्द वो टारगेट अपना अचीव कर लिया सो दिस इज हाउ यू ट्रेड द सॉसर पैटर्न जैसे हमने ये डाउन मूव में सॉसर देखा है वैसे आप रिवर्सल पॉजिटिव अपसाइड साइड में भी देख सकते हैं जहां पे एक अपट्रेंड के बाद में ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होते हैं तो वहां पे आपको पोजीशंस एग्जिट करने के लिए देखनी है सो आई होप दिस इज क्लियर स्पाइक टॉप स्पाइक बॉटम बहुत शार्प रिवर्सल्स होते हैं जल्द से जल्द डिसीजन ले उन स्टॉक में आपको स्पाइक टॉप बनाए तो एग्जिट करने का स्पाइक बॉटम बनाए तो बाइंग करने का और अगर एक ग्रेजुअल चेंज ऑफ ट्रेंड हो रहा है तो जहां पे आपको वो ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट आया वहां पे आपको बाइंग और सेलिंग करने को देख सकते हैं दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड आई होप दिस इज क्लियर एंड यू कैन नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू